तो वीवीए फंक्शंस की अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमने अभी तक तीन चार क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अलग अलग तरीके से, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसमें क्या है कि मुझे सिर्फ इसमें से नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है, ओनली फॉर नंबर। तो ये चीज तो मैंने बताया था, याद होगा आपको सर, नहीं तो फिर भी दोबारा हम आपको बता देते हैं। सर कैर का सी एच ए आर का फॉर्मूला और वो लगा के जो आपने वीडियो में बताया था। चलिए तो यहां पे हम देते हैं फंक्शन ई एक्स टी स्टैक्स एन यू एम नंबर, और यहां पे देते हैं एन एज ए स्ट्रिंग। ये हमारा फॉर्मूला डिक्लेरेशन हो गया, हमने फॉर्मूला डिक्लेयर कर लिया। अब यहां पे लगाएंगे लूप लगाएंगे कि फोर आई इक्वल टू चले 57 to 127। अब ऐसा क्यों किया हमने, तो बेसिकली आपको याद होगा कि हमारे पास एक नंबर ए होता है, मतलब कि अगर मैं 65 लिखूं तो हमारे पास एक फॉर्मूला कैर का होता है जो कि कन्वर्ट कर देता है इसको लेटर में। 57 लिखता हूं तो 9 है, 9 है। 58 लिखता हूं तो आपका इससे स्टार्ट होता है, तो ये 57 है 58 होगा। तो ये क्या है कि स्काई वैल्यू के नंबर पे 58 से स्टार्ट होता है आपका करेक्टर, 58 से लेके चलता है 127 जो कि करेक्टर ही देता रहता है। इसके बीच में कुछ भी नंबर डालो आप, जैसे मैं 95 डाल दिया तो करेक्टर ही शो करेगा, स्काई टेबल होता है। और 48 से या 48 या 49 से स्टार्ट होता है आपका नंबर, हाँ 48 से स्टार्ट होता है, 49, 50 इस तरह से। तो हमें नंबर रखने हैं और हटा देने, इसलिए मैंने 58 से 57 तक हमने यहाँ पे दिया लूप में। अब यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ एक वेरिएबल लेते हैं कि डीम आर एज ए स्ट्रिंग और आर इक्वल टू एन, और यहाँ पे करते हैं कि आर इक्वल टू रिप्लेस में हमने बोला आर में कौन सा करेक्टर, तो हमने बोला सी एच आर और इसके अंदर में आई को दे दिया। किससे करना है तो ब्लैंक, मतलब कि हमने डिलीट करना। हमने क्या किया कि जितने भी करेक्टर है वो करेक्टर को एक वन बाय वन करके हम रिप्लेस कर देते हैं ब्लैंक से, और जो हर करेक्टर ए से जेड तक बड़ा और छोटा हम कर देंगे तो क्या बचेगा हमें पास, नंबर ही बचेगा। तो फाइनली नंबर होगा ई एक्स टी एन यू एम इक्वल टू आर, और इसको आप जो है एज ए लॉन्ग कर लें ताकि वो आपका नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, टेक्स्ट नहीं रहेगा फिर। अब यहां पे इसको अप्लाई करके हम आपको बताते हैं, इक्वल और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो सिर्फ नंबर को अलग किया, प्रॉब्लम सिंपल है, प्रोग्राम सिंपल है, हमने इस प्रोग्राम को लिखा और सिंपल सा हमने सिर्फ नंबर को स्टैक कर लिया, राइट सर? हाँ जी सर।